नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में होनी है बैठक। बैठक में घोषित हो सकती है मानसून सत्र की तारीख। स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन संबंधी विषयों पर भी होगी चर्चा। शिक्षा, वन, शहरी विकास पर भी चर्चा संभव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में? जी हाँ बिल्कुल, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक जो है वो शुरू होगी। और बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है वो बैठक में आ सकते हैं, जिसमें की आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि, भूजल पर टैक्स और पिरूल के दाम में इजाफा जो है वो हो सकता है। और इसी के साथ साथ गृह, आवास, शहरी विकास आदि विभागों से संबंधित जो है प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और इसी के साथ साथ मानसून सत्र की तिथि भी जो है बैठक में वो जारी हो सकती है कि कब मानसून सत्र होना है। मानसून सत्र को लेकर अभी ये भी संशय बना हुआ है कि मानसून सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा, तो इसको लेकर भी बैठक में जो है चर्चा हो सकती है। और इस पर लेकर भी जो है बैठक में मानसून सत्र की तिथि और मानसून सत्र कहाँ होगा इसको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। इस पर भी जो है आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो है बैठक का मतलब मानसून सत्र जो है वो कहाँ पर होना है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बैठक में जो है आज वो आ सकती है। तो क्या माने कि जिस तरह से प्रदेश में चारधाम यात्रा भी जारी है और साफ तौर पर भूस्खलन जैसी संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं, सड़कें कई जगह पर बाधित हैं, तो उन पर भी फोकस कर रही है राज्य सरकार? जी सर बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून सीजन ने दस्तक दी और शुरुआती दिनों में ही बारिश का भारी बारिश देखने को मिली और कई जगहों पर जो है बोल्डर गिरे और भूस्खलन भी हुआ जिससे मार्ग बाधित भी हुए, लोगों को काफी परेशानियां भी हुई, कई जगहों पर बाढ़ के आसार भी जो है बने। खटीमा की बात की जाए तो वहां पर कई लोगों के घरों में पानी घुसा और बाढ़ वहां पर आई, कई जो है नुकसान भी काफी हुआ। इसी के साथ साथ उधम सिंह नगर, नैनीताल और खासकर कुमाऊं मंडल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश जो है कुमाऊं मंडल में बार देखने को मिली है। तो इसको लेकर भी राज्य सरकार आने वाले समय में, क्योंकि अभी मानसून सीजन सितंबर माह तक चलना है, ऐसे में आगे किस तरीके की तैयारियां रहनी है, किस तरीके से आपदा विभाग की तैयारी है, आपदा विभाग को किस तरीके से कार्य करना है, इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और कावड़ यात्रा भी क्योंकि चलनी है तो कावड़ यात्रा को लेकर भी कई प्रस्ताव जो इस बैठक में आ सकते हैं, चाहे स्वच्छता व्यवस्था की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में भक्त जो है कावड़ यात्रा लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों के लिए भी जो है बैठक में चर्चा वो आज संभव है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ हाईवे के सोड़ी में भाया भारी मलबा, देर रात से बंद है राजमार्ग। राजमार्ग को खोलने के लिए सुबह से नहीं पहुंची कोई मशीन। देर रात भारी बारिश के कारण बंद हो गया था राजमार्ग और राजमार्ग पर पहाड़ी से आए हैं बड़े बड़े बोल्डर और इस दौरान रास्तों में सैकड़ों वाहन भी फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग पैदल ही अब रास्ता नापते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ सोडी के पास ये रास्ता जो है पूरी तरह से बाधित हो गया है, बंद हो गया है, पहाड़ी से पत्थर आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी ना तो प्रशासनिक टीम पहुंची है और ना ही कोई मशीन पहुंची है। और संवाददाता हिमांशु गोड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से पहाड़ों से बोल्डर आ रहे हैं, रास्ते बाधित हो गए हैं, फिर अभी तक भी क्यों प्रशासन उनकी सूद नहीं ले रहा है? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि मानसून सीजन ने उत्तराखंड में दस्तक दे दिया और ऐसे में क्योंकि पहाड़ों से भूस्खलन की संभावना है, बाढ़ की संभावना है, वो अमूमन बनी रहती है। और केदारनाथ हाईवे में जिस प्रकार से हमने आज देखा है कि सुबह ही जो है मलबा आने से जो है केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया था और ऐसे में प्रशासन अब लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। रास्ते से मलबा हटाने को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे बुलडोजर के माध्यम से हो, जेसीबी मशीन के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों से जो है रास्ते को साफ करने की कोशिश जो है की जा रही है। इस समय हाईवे जो है वो पूरी तरह से बाधित है और लगातार प्रशासन इस बात के लिए जो है जद्दोजहद में समय लगा हुआ है कि किस प्रकार से जो है रास्ता साफ किया जाए, किस प्रकार से जो है इन बोल्डरों को जो है हटाया जाए, इसके लिए लगातार प्रशासन जो है वो यथासंभव प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है।
तो क्या माने अभी कितने लोग फंसे हुए हैं रास्तों में, क्योंकि अभी तक भी रास्ता तो क्लियर नहीं हो पाया है, सैकड़ों गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं, ये भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी तक सैकड़ों लोगों की संभावनाएं जो है यहाँ पर जताई जा रही है, करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जो है संभावना ये जताई जा रही है कि इस मार्ग में फंसे होने की है। इसी के साथ ही क्योंकि गाड़ियां हैं, तमाम माल गाड़ियां हैं, वाहन है, निजी वाहन है, यात्रा चार धाम यात्रा पर आने वाले जो केदार बाबा के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके वाहन है और उनके फंसे होने की जो है वो यहाँ पर उम्मीद है। और लगातार क्योंकि यात्रियों को भी अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चार धाम यात्रा इस समय अपने पीक पर है, मानसून सीजन के दस्तक देने के साथ ही चार धाम यात्रा का संचालन हालांकि उत्तराखंड में एक बड़ी संभावना होती है और उसके संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार जो है पहल जरूर कर रही है और अब देखने वाली बात होगी कब ये मार्ग खुलेगा और कब जो है चार धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा का जो है विधिवत संचालन फिर एक बार हो सकेगा। हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी परिसर के बाहर धरने पर बैठे संविदा शिक्षकों ने नियुक्ति मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया है। बता दें कि 12-13 वर्षों से कार्यरत 17 संविदा शिक्षकों और मैट्रन को बीते 30 मई को अचानक से हटा दिया गया था, जिसके बाद विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था में अवरोध भी उत्पन्न हो गया था। एक ओर जहाँ संविदा शिक्षक अपनी बहाली और नियमितीकरण को लेकर 5 जून से धरने पर बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए राजी नहीं थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी इसका असर देखने को मिला। लेकिन अब जब उनकी बात मान ली गई है, जिसके चलते अब उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। विद्यालय संगठन समिति की दिशा निर्देशों के क्रम में आज इनकी ज्वाइनिंग जो 16 संविदा अध्यापक और एक मैटर्न धरने पे बैठे हुए थे, उनको आज ज्वाइनिंग समिति के द्वारा जो लेटर आया है उसके क्रम में ज्वाइनिंग दे दी गई है। एकलव्य विद्यालय जो कालसी है वो उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का मैं कहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ एकलव्य विद्यालय, जितने अच्छे रिजल्ट और जितने अच्छे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे गए हैं वो हम सबके लिए जनजाति क्षेत्र के लिए एक नसीब है। और बहुत दुख है कि यहाँ पे जो शिक्षक 10-10, 12-12, 15-15 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे उनको धरने पे बैठना पड़ा। इस संबंध में आज मेरी आज तो क्या कहना चाहिए, काफ़ी समय से मेरे सचिव से और जो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में डायरेक्टर लेवल के AD वगैरह से भी से बातचीत चल रही थी, आज इनको ज्वाइनिंग मिली है जिसमें इनको 3 माह का एक्सटेंशन और फिर या तो कोर्ट का जिस तरीके से आदेश होगा उसके विश्वास पे इनको आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी गई है। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए विद्यालय का मूल्य निधि है और इस विद्यालय को अगर हम लोग बरकरार रख सके तो हम सब। रुड़की से एक महिला का बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर समाज के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए झबरेड़ा थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि इसकी छानबीन की गई है, जिसमें पता चला है कि महिला अपने पति से अलग होकर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और पति से पैसे मांगने के लिए उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया और जिसका वीडियो भी बनाया और पति को भी भेज दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने इस बात की पुष्टि भी की है, फिलहाल बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर भेज दिया गया है और महिला की काउंसलिंग कराई जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर प्रदेश में आरोपों की राजनीति जारी है। हालांकि सीएम धामी के आश्वासन के बाद साधु संतों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसे हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है वही धाम है, अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को लेकर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पहले स्पष्ट कर दी है।
लेकिन इसे लेकर विपक्ष लगातार न सिर्फ सवाल उठा रहा है बल्कि राज्य के अलग अलग जिलों में कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इसे प्रदेशवासियों से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ ट्रस्ट की तरफ से बनाए जा रहे केदारनाथ धाम का विरोध उत्तराखंड के जगह जगह देखने को मिल रहा है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर स्थानीय लोग इस मुद्दे पर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने में लगी है। और यदि उस राग को महसूस किया और शंकराचार्य जी ने कहा तो आप उनको, शंकराचार्य जी के लिए पहले भाजपा ने जो शंकराचार्य जी का इंस्टीट्यूशन आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था, सनातन का जो एक एक स्थापित संस्था है, शंकराचार्य शब्द अपने में एक इंस्टीट्यूशन है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, पहले उनका अवमूल्यन किया और अब आप जो है उन पर हमला कर रहे हैं, उन पर उनके खिलाफ इस तरीके का सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। बॉम्बे में भी दिया गया है, यहाँ भी बयान दिया गया है। हम इस प्रयास की निंदा करते हैं और भाजपा ने हमेशा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्यों को का अपमान करने का काम किया है। केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनाए जाने के विरोध थराली में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर किया। थराली कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय के सम्मुख सड़क पर एकत्रित होकर सूबे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धर्म का व्यापारीकरण कर रही है और देवभूमि समेत बाबा केदार के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमी सरकार का और मुख्यमंत्री का पुतला आज कांग्रेसियों ने थराली में फूंका है। उसका मुख्य कारण है कि बाबा केदारनाथ के मंदिर को जो दिल्ली में बनाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ की पहाड़ की आस्था के साथ, भगवान केदार की आस्था के साथ 228 किलो सोना मंदिर का गायब हो गया है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भावना, देवभूमि की भावना, जो हिमखंड में भगवान केदार आदिकाल से बैठे हुए हैं, उसको दिल्ली में बसाने की जो ये बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़े खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है और ये इसको एक बिजनेस का साधन बनाना चाहते हैं, उसके हम घोर निंदा करते हैं और इसीलिए हमने इनका पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने कहा कि आस्था का ये व्यापारीकरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार उत्तराखंड के लोगों की आस्था के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया, लेकिन इस पर जांच के बजाय सरकार दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के शिलान्यास में सम्मिलित हो धर्म का व्यवसायीकरण करने में जुटी है। बीजेपी के पुतला दहन का कारण ये है कि सरकार की, धामी सरकार की कूटनीतियां और मनमानियां, तानाशाही जो चल रही है, मंदिर का शिलान्यास दिल्ली में हो रहा है और यहाँ पे 228 किलो सोना चोरी हो गया, उसका कोई पता नहीं है। सरकार मंदिरों का व्यवसायीकरण करना चाह रही है जिससे कि उत्तराखंड की सरकार और जो देवभूमि है उसका प्रभाव कम करना चाह रही है और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना करना चाह रही है। कि वो कहती है कि 6 महीने जो केदारनाथ नहीं आ सकता है तो वो दिल्ली में दर्शन करे, इससे हमारी जो हिमालय की वो है जहाँ पे भोलेनाथ जी का वो है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और ये सरकार की बहुत नीतियां खराब हो रही है। इधर मोली जिले के कर्णप्रयाग, गौचर समेत अनेक जगहों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सनातन धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेसियों का कहना है कि देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम के साथ छेड़छाड़ किए जाने से हिंदू धर्म के लोगों में भारी आक्रोश है। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी आपत्ति दर्ज करते हुए बयान भी दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग, गौचर समेत अनेक जगहों पर धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। देखिए, जिस प्रकार से हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली के बौराड़ी में बाबा केदारनाथ धाम की प्रति मूर्ति या जो आप कह सकते हैं जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ,
उसके विरोध में हम सब लोगों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जनपद चमोली के प्रत्येक ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के द्वारा हनुमान चौक पर, आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बाबा केदारनाथ का केदार की भूमि से पलायन करते हुए उसे दिल्ली बौराड़ी में शिफ्ट करने का काम किया है, यह हमारे सनातन धर्म, हमारे गढ़वाल की देवभूमि की संस्कृति, इसके ऊपर पूर्ण रूप से कुठाराघात है और गढ़वाल के उत्तराखंड के लोगों के लिए यह एक ऐसी स्थिति है कि क्योंकि इस उत्तराखंड से हम सब लोग जानते हैं कि यह देवभूमि के साथ साथ यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है और धामी जी का यह कहना कि जो केदारनाथ तक नहीं पहुंच सकते हैं वो आप दिल्ली में केदारनाथ के दर्शन करेंगे, यह बहुत निंदनीय है, जिस परिप्रेक्ष्य में तमाम कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार का पुतला दहन का काम किया है और साथ ही उनसे निवेदन किया है कि इस जो दिल्ली में जो बौराड़ी में मंदिर बनाया जा रहा है उस मंदिर का निर्माण तुरंत रोक दिया जाए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार के फैसले की सभी जगहों पर निंदा हो रही है। बीजेपी ने शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश की है। उत्तराखंड देवभूमि की धरती है और इसके लिए बीजेपी को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पैदल यात्रा निकाल रही है। मामला सामने आने के बाद देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि विरोध में 24 जुलाई को हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा करेंगे, जिसका हरीश रावत ने भी समर्थन किया है। पहले स्वरूपानंद जी का अपमान करने का, स्वर्गीय स्वरूपानंद जी का, आदरणीय स्वरूपानंद जी का अपमान किया और अब आज उन वर्तमान शंकराचार्य जी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो बद्री केदार की धरती है, ये इसके लिए ज्योति स्वीट की जो धरती है वो भाजपा को इसके लिए माफ नहीं करेगी और हम शंकराचार्य जी के इस अपमान के बिंदु को भी जो है अब आगे लेकर चलेंगे। बल्कि मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के लोगों से कहूंगा जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा में इस बिंदु को भी सम्मिलित करें। मैं पूरी यात्रा में पैदल चलूंगा, मैं गंगा जल लेके चलूंगा, गंगा जल ही हर जी की पौड़ी से हम लोग लेंगे, स्नान के बाद यज्ञ के बाद हम वहाँ से गंगा जल का मांगेंगे माँ गंगा से और उसको लेकर मैं केदारनाथ तक पैदल जाऊंगा। सेवा दल हमारा अनुवांशिक संगठन है, मुख्य संगठक है, वो रक्षक है हमारे कांग्रेस के और वो लोगों की सेवा भी करते हैं साथ में रक्षा भी करते हैं। सेवा दल ध्वजारोहण के साथ हमारे साथ आगे आगे चलेगा, उसके पीछे मैं, मेरे संगठन के लोग और वहाँ के आम जन जो केदारनाथ बाबा को, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे साथ चलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस राजनीति करने के लिए धर्म का आश्रय लेती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सारी दुनिया के श्रद्धालु जानते हैं कि केदारनाथ धाम हिमालय में है और हिमालय में ही रहेगा, वहां से धाम को कोई नहीं हिला सकता। भट्ट का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ धाम की यात्रा को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है जो कि सनातन में विश्वास रखने वाले लोगों के मन को ठेस पहुंचाने वाली बात है, इसके लिए जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। इस प्रकार का कुप्रचार कांग्रेस कर रही है, इससे देवभूमि पर स्थान गिराएगी बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि जब राम मंदिर का विषय बनता है कांग्रेस उस स्थान पर प्रश्न खड़ा करती है, जब जोशीमठ के अंदर आपदा के लिए सर्वाधिक धनराशि दी जाती है तो तब कांग्रेस के लोग उस समय जोशीमठ पर प्रश्न खड़ा करते हैं और आज केदारनाथ धाम के अंदर जिस प्रकार की प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का कुछ चक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और मुख्यमंत्री जी भारतवर्ष का एक एक नागरिक ही नहीं विश्व का भी जो धर्म को मानने वाला जो श्रद्धालु है वो जानता है कि केदारनाथ का धाम हिमालय के अंदर ही है, केदारनाथ का धाम वहीं रहेगा, ये बयान मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिया गया है। केवल और केवल राजनीति के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को प्रभावित करने का जो प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनाने की खबर सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे थे। केदारनाथ में तो साधु संतों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
आश्वासन दिया, जिसके बाद फिलहाल तो साधु संतों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन खबर है कि अगर बुराड़ी में मंदिर का निर्माण भी हुआ तो फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।